आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर लोगों को लुभाने के साथ साथ जातीय समीकरण बनाने में जुट चुके हैं। लोकसभा चुनाव की आगाज होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने स्वर्गीय परशुराम भारद्वाज के सुपुत्र रविशेखर भारद्वाज पर अपना विश्वास जताते हुए उनको उम्मीदवार बनाया है। इस बार सीधी टक्कर बीजेपी से ही रहेगी, हमेशा बीजेपी से ही सीधी टक्कर रहती है। बसपा तो हमेशा तीसरे नंबर पर रहती है और पूरे भारत देश में कांग्रेस की जो लहर है, वो निश्चित रूप से राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने में हम लोग पूरा कामयाब होंगे और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट को छत्तीसगढ़ से जीत के हम उनकी झोली पे डालेंगे और आप सब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके सहयोग और आशीर्वाद से ये संभव हो पाएगा। जी क्षेत्रीय मतदाता हमारे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा के लोग भली भांति जानते हैं कि कौन क्षेत्रीय है, कौन क्षेत्रीयता प्रत्याशी है, कौन बाहरी प्रत्याशी है। तो निश्चित रूप से जो घर के बच्चों को विशेष प्यार मिलता है और बाहर के बच्चों को कम प्यार मिलता है, इसी तरह से मैं उनके बेटे की तरह उनका प्यार पा रहा हूँ और भारी समर्थन भी मिल रहा है। इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन रविवार को मेला ग्राउंड के समीप सत्संग भवन में किया। टिकट मिलने के बाद पहली बार शिवरी नारायण के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भारद्वाज ने शिरकत किए और संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को अपने अपने गिला शिकवा तथा आपसी मतभेद को भुलाते हुए एकजुट होकर कार्य करना है। देखिए, लोकसभा चुनाव 28 तारीख से नॉमिनेशन दाखिल होंगे और 23 अप्रैल को मतदान होना है और हम सब के लिए बहुत ही, विशेषकर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि हमारे ही क्षेत्र के 6 बार सांसद रहे और आपके इसी क्षेत्र के स्वर्गीय परशुराम भारद्वाज जी के चिरंजीव श्री रवि भारद्वाज जी को कांग्रेस हाई कमांड ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर सांसद प्रत्याशी के रूप में बनाकर भेजा है और पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग संयुक्त रूप से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और कल कसडोल और बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सम्पन्न हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उससे हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रदेश में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी है, इसी तरह से प्रदेश में 11 की 11 सीटें और इन 11 में भी जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से सर्वाधिक मत से हम लोग लोकसभा चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। स्थानीय बूथ सेक्टर से लेकर समस्त मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की नीतियों एवं योजनाओं, किसानों का कर्ज माफ, किसान पेंशन योजना, बिजली बिल हाफ, 2500 रुपए में धान खरीदी को लेकर जाना है। इस अवसर पर श्रीमती रश्मि गबेल, मोतीलाल देवांगन, पूर्व पामगढ़ विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती शेष राज हरिवंश सहित सभी बड़े राजनेता व कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे।